मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं कि दिसंबर शुरू होते ही कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है और वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिसंबर के महीने में 3-4 ग्रह स्वराशि के होकर के या मित्र राशि के होकर के गोचर कर रहे हैं और सभी ग्रह नीचता से बाहर आ चुके हैं। जब ग्रह नीचता करता है यानी नीच राशि में गोचर करता है तो बढ़िया शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। अब नीच भंग बन रहा हो तो अलग मैटर है, किंतु नीच राशि में ग्रह कमजोर हो जाता है। और दिसंबर का वो शानदार महीना रहने वाला है कि जिसमें लगभग 3-4 ग्रह जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थिति बना करके बैठे हैं, इसका आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहली चीज, वृश्चिक वालों, आप ये समझ लीजिए यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में आप प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो, देख सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना, मान लिया आपकी वृश्चिक लग्न है और राशि मान लो तुला है तो क्या करोगे, तो ऐसे में आप दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। एक में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, एक में फल थोड़ा कम मात्रा में बताया गया है तो मान के चलो रिजल्ट 50-50 मिलेगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 3-4 ग्रह एक बढ़िया जगह पे गोचर कर रहे हैं या तो कोई मित्र में है या स्वराशि में है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल रिजल्ट प्रत्येक लग्न और प्रत्येक राशि वालों को मिलेगा। अब जानते हैं वृश्चिक वालों का राशिफल। तो दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि आपके कुंडली में जो कर्म क्षेत्र के मालिक हैं सूर्य देवता, वो भैया लग्न पे विराजमान रहेंगे और लग्न पे विराजमान रहेंगे 15 दिन, उसके बाद 15 दिन आपके धन भाव पे विराजमान रहेंगे। आपके जो लग्नेश हैं वो स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं लग्न भाव में। अगली चीज, शुक्र स्वराशि के होकर के 12वें भाव में है और वहीं पर बुध देवता जो कि आपके कुंडली में अकारक आप कह सकते हो, लेकिन ये अकारकता कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये धनु राशि में बैठे हैं, परम दुश्मन के राशि में बैठे हैं, लेकिन बढ़िया फल देने के लिए इसलिए बाध्य हैं क्योंकि गुरु के घर में है और गुरु की नवम दृष्टि में है। और जब गुरु की नवम दृष्टि में है तो जाहिर सी बात है कि ये चाह कर भी आपको बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो बड़ा सुंदर योग बना है और शनि उधर तो भैया शशि योग बना करके 4थे भाव में बैठे ही हैं, तो इतने जो ग्रह हैं ये सभी किसी न किसी फील्ड में आपका फेवर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो लग्नेश का लग्न भाव में गोचर करना, भ्रमण करना अपने स्थान में, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पे तो आपके आँच आने नहीं देगा किसी भी प्रकार की, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रखेगा। और दूसरी चीज, व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान अस्तित्व बढ़ेगा, जो भी डिसीजन लोगे क्विक डिसीजन लोगे जिसके प्रभाव से ज़्यादातर डिसीजन आपके सही साबित होंगे और प्रॉफिटेबल साबित होंगे, जिनसे उनको लाभ मिले, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, कर्म का मालिक सूर्य लग्न पे बैठा है, परम मित्र के घर में बैठा है, नीचता से बाहर आ चुका है, ये योग बनता है सरकारी नौकरी मिल जाने का। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय 15 दिसंबर तक बड़ा सुंदर बना हुआ है। हालांकि आगे भी 15 दिन तक का योग बनेगा, लेकिन 15 दिन बहुत मजबूत ये योग बना है सरकारी नौकरी मिलने का। अगर मान लिया बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है तो इस पीरियड में यदि प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। और अगर कोई सरकारी काम आप करते हो, टेंडर वगैरह लेते हो सरकारी, या सरकार से जुड़ करके कोई काम कर रहे हो, मान लिया राजनीति के क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर भी कोई बढ़िया पद आपको मिलने के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पहले से कर रहे हो तो प्रमोशन मिलना, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना, इस तरीके के सुंदर योग सूर्य देवता पूरा दिसंबर बनाए हुए हैं, क्योंकि लग्न भी बलवान है, कर्म भी बलवान है।
लग्न और कर्म का कॉम्बिनेशन है तो जाहिर सी बात है सक्सेस तो आपको मिलना ही मिलना है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं व्यापारियों के लिए भी स्थिति बड़ी सुंदर बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और व्यापार से प्रचुर मात्रा में धन भी आएगा। तो नौकरी से भी धन आएगा, व्यापार से भी धन आएगा, ये दो हो गए प्लस पॉइंट। तीसरा, सरकारी नौकरी मिल सकती है। चौथा, अगर आप विद्यार्थी हो तो स्थितियां आपके लिए सामान्य है, ना बहुत बढ़िया ना बहुत खराब। अगर मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे सक्सेस मिलेगी, मेहनत में कमी करोगे तो बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलने में कमी आएगी, क्योंकि बुद्धि पर बैठा है राहु, किसी भी प्रकार का शुभ प्रभाव राहु पर नहीं है। तो थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, मेहनत अधिक करोगे तब सक्सेस आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर प्रेमी जोड़ों की बात करें तो अगला माइनस पॉइंट ये है, प्रेम में दूर दूर तक का सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रेमबाजी के चक्कर से दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगला माइनस पॉइंट ये है कि वैवाहिक जीवन सामान्य तरीके से चलेगा, बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि लग्न में मंगल और सूर्य बैठे हैं और मंगल पूरा महीना यहाँ पे बैठे रहेंगे और शुक्र अपने स्थान से छठे बैठे हैं। दैट मीन्स वैवाहिक जीवन आपका सामान्य तरीके से चलने वाला है, बहुत बढ़िया नहीं है। खराब इसलिए नहीं है क्योंकि मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है और किसी भी प्रकार से सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, तो यदा कदा हो सकता है थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाए, लेकिन दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा, शुक्र स्वराशि के होकर के बैठे हैं और सप्तम स्थान से बारहवें गुरु बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई खास आपको दिक्कत अनुभव नहीं होगी, सामान्य तरीके से वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं लंबे समय के लिए या शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, निश्चित तौर पर स्थिति उनके अनुकूल बनी हुई है, आपको समुचित मात्रा में धन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई नया मकान, वाहन, गाड़ी, बंगला, साइड बिजनेस या व्यापार, साइड व्यापार करना चाहते हो तो गोचर बढ़िया है। तीन तीन चार चार ग्रह अपने घर में गोचर कर रहे हैं, मंगल अपने घर में, शुक्र अपने घर में और दूसरी चीज सूर्य मित्र के घर में, शनि अपने घर में, गुरु मित्र के घर में। तो भैया साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हो कर डालो, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, फ्लैट प्लॉट वगैरह परचेज करना चाहते हो, समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, इसका कहीं ना कहीं समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करें कि आमदनी आपकी कितनी होगी, तो आपके भैया 11वें स्थान के मालिक आपकी कुंडली में बन जाते हैं बुध देवता। मैंने अभी बताया बुध देवता आपके धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। आमदनी का मालिक जब धन भाव पे गोचर करे और धनेश की दृष्टि भी पड़ जाए आय के मालिक के ऊपर, तो जाहिर सी बात है पैसा धुआंधार तरीके से आएगा। चाहे आप काम छोटा करते हो या बड़ा करते हो, स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, इसका आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये रहा पैसा आपके पास धुआंधार आएगा, चाहे आप कोई भी काम करते हो, आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर रहने वाली है। नौकरी करने वालों को विशेष फायदा होगा, मैं पुनः दोहरा दूं, इसलिए अगर नौकरी नहीं है तो प्रयास करिएगा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, ये पक्का मान के चलो। क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाना, सभी कामों में सफलता मिलना, भाग्य आपका साथ देना, यात्राओं से प्रबल रूप से आपको लाभ मिलना, अगर देश विदेश जाना चाहते हो बड़ा सुंदर समय है, आप जा सकते हो, वीजा वगैरह लग जाएगा, निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस समय का आप सदुपयोग करिए, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। उपाय स्वरूप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण एक बार पाठ करिएगा और अगर टाइम निकाल सकते हो तो मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करो और उनके चरणों से टीका लेकर के अपने मस्तक पर लगाओ, और भी जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।